यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड डू इट. ओके, बस इतना ही. कितने से कहा आईटी में? और दोस्त बनाने चाहिए, और दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, एंड दे आर लाइक यू नो दे कैन लिफ्ट यू फ्रॉम कितने भी गहरे आप डूब जाओ. तो दोस्त हाँ, इट टीच मी टू बी ए बिलीवर, कि ऐसे अपने अंदर के बिलीव रखो, फिर अपने आप चीज़ें बनने लगती है. और बाकी की बकचोदी करो. वैसे पहले मैं जब आया था तो इतना सब चिल नहीं रहता था, ऐसे बहुत क्या बोलते हैं और हाँ ऑर्गेनाइजेशन तक पता. फिर इधर आने पर बहुत कुछ चेंज हो गया. टू लिव इन मोमेंट. ओके ओके. टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स. यार आईआईटी ने कुछ सिखाया हो चाहे नहीं सिखाया हो, लेकिन ये ज़रूर सिखाया कि तुमको भले आता हो कोई चीज़ नहीं आती हो, तुमको प्रेशर कैसा हैंडल करना ये आराम से सिखा देता है. तुम भले एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के नहीं जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास जो एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो जाती है ना ओवर द ईयर्स यहाँ पे रह के साथ में अपने ही पीयर से बात कर करके, वो तुमको बहुत हेल्प करती है प्रेशर सिचुएशन हैंडल करने में. एकेडमिक्स में तो इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, बट ये है कि लोगों के साथ साइनेज ख़त्म हो जाती है, तुम उनके साथ फ्रीली बात कर पाते हो. और तो हाँ, मतलब चिल है. आईटी है तो तुम्हें इतना ज़्यादा लोड नहीं होता लाइफ का कि हाँ लोगों से तुम डील कर ही लेते हो कभी भी. और वो प्रेशर बोलते हैं बट वो भी हो जाता है यार, मतलब मैनेज तो कर ही लेते हैं अपन फोर्थ ईयर तक. टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, एवरीथिंग, लाइफ मैनेजमेंट. आई थिंक मैनेजिंग पीपल आई एम स्टिल लर्निंग दैट, नॉट रियली गुड एट इट. बट हाँ, फोर्थ ईयर तक आते आते यू लर्न कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको करना क्या है. एंड आईआईटी गेव मी गुड फ्रेंड्स. थैंक यू. मतलब मेरा तो ऐसा है कि हाँ, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट वगैरह कैसे करते हैं, और फिर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ भी, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें. हाँ, और यही कि इतना लोगों को फक नहीं देना होता है. मतलब ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो है, नहीं तो सबके बारे में नहीं सोचना. हाँ, मतलब आई थिंक द डिफरेंस इज़ ह्यूज व्हेन आई केम हियर इन फर्स्ट ईयर एंड अभी जो मैं हूँ इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. एकेडमिक्स तो क्या है, बाकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया. हॉस्टल में रह के चार साल हॉस्टल में तो नहीं रहे, पर 1.5 साल घर में भी रह के अकल तो आ ही गई धीरे धीरे. अब निकल रहे हैं, देखते हैं धीरे धीरे. लाइफ में यू हैव टू फेस सेटबैक्स. कई बार चीज़ें आप जो चाहते हैं वो होती नहीं है. और वो चीज़ें सिखाती है आईआईटी, लाइक इवन इफ़ यू आर हैव फेल्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, आप इम्प्रूव कर सकते हो और आपका सर्कल अच्छा है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फील डिफरेंशिएट्स अमॉन्ग आईआईटी एंड अदर कॉलेजेस, द इन्वायरमेंट. यहाँ आपको ऐसा सर्कल मिलता है, ऐसे इकोसिस्टम मिलते हैं, फ्रेंड्स हैं, आप डिस्कशंस करते हो, इम्प्रूव करते जाते हो. वो मैं मेन डिफरेंस मानता हूँ. ओके, आईआईटी ने मुझे स्ट्रगल करना सिखाया है, कैसे मतलब इंडिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स के बीच में रहते हुए नए लोगों से सीखते हैं कि पीपल ऐसा ऐसा भी हो सकता है, नई नई चीज़ें सीखते हैं. बच्चों दोस्तों ने बहुत ज़रूरी है, प्रांशु की तरह. ओह, ये मुश्किल है. सब कुछ ही सिखाया यार. कोई ऐसी चीज़ तेरे को लगता है नहीं सिखाई, सिखानी चाहिए थी? नहीं, सब सिखा दिया. वेरी नाइस. इट डिड नॉट टीच मी टू काइंड ऑफ गेट टू द रियल वर्ल्ड एंड फाइट फॉर यू नो द रियल स्ट्रगल्स पीपल डू. सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कल्चर दैट वी हैव इन द कैंपस एंड आउटसाइड कैंपस. एंड सिंस वी लिव इन सच अ कम्फर्ट जोन दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू गो आउट एंड यू नो फेस things like street smart नहीं बन पाते basically. Right. Okay. Again from skills perspective मैं सोचता हूँ if education could have been more hands on based, like चीज़ें करके दिखाई जाती rather than being theoretically taught in the class, तो वो better होता. And एक चीज़ और, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग forcibly चीज़ें कर रहे होते हैं without interest के. मतलब यार प्रेशर को हैंडल करना, मतलब वो तो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा. मतलब पीयर प्रेशर वगैरह का बात होता है जो बहुत सारे लोग हैंडल नहीं कर पाते,
मतलब लोगों को बीच में देख के इतना कंपटीशन है एकदम हार्ड कोर, क्योंकि सब तो टॉपर ही आते हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन जो ज़िंदगी भर टॉपर रहा है यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम मिलते ही झेल नहीं पाता, वो प्रेशर में आ जाता है, ये सिखा नहीं पाता कुछ लोग, मतलब सब कुछ लोग तो हैंडल कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब सब सिखा ही देते हैं, बस थोड़ा बहुत है कि कई बार अपन लैग करते हैं सोशल स्किल्स में, तो वो अगर होता कुछ ऐसा तो बेटर रहता, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर ऐसा कुछ होता तो बेटर रहता, बट स्टिल इट्स गुड। सीजी कैसे पढ़ाए जो नहीं सीखे वो पता चल जाएगा। अभी के लिए तो जॉब परस्यू करनी है फॉर 6 मंथ्स एटलीस्ट, उसके बाद बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई हैव टू डिसाइड कि अल्टीमेटली क्या करना है, वेदर यूपीएससी और कॉरपोरेट और मे बी हायर स्टडीज़, बहुत सारे ऑप्शन है। एंड देर इज़ वन मोर थिंग, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू परस्यू थिएटर एज माई हॉबी, इसलिए मेरी पोस्टिंग अभी ऐसे मुंबई है, तो लेट्स सी इफ दैट वर्क्स आउट। और हाँ, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। मेरा तो मतलब फिक्स है कि हायर स्टडीज़ तो नहीं हो रही, नहीं करना है, तो बस जॉब करो। यार गोल्स ऐसे, गोल्स तो यार सबके एक ही रहते हैं भाई, अनशन पैसा छापो, हाँ अनशन पावर मनी रिस्पेक्ट, ये तो सबका रहता है। बट लाइक मैं तो यार अपनी ऐसे सोच रहा हूँ कि ऐसे कोई फिटनेस चेन वगैरह स्टार्ट करूँ, मतलब ऐसे जिम्स वगैरह का। मेनली अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, जॉब ही करनी है, बट आगे देखेंगे लाइक एमएस स्टार्टअप्स जो भी करना। फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ। ओके। और ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ, रहना तो मुझे इंडिया में ही है लेकिन घूमना हर जगह चाहता हूँ। गोल्स आफ्टर कॉलेज कुछ नहीं, इतने खास कुछ नहीं है, बस जैसे फ्लो में कंटिन्यू करते रहो। गोल्स अगर मुझे जर्नलिज्म में कुछ करने का मिला तो आई गो इन जर्नलिज्म, उसके अलावा मुझे थोड़ा वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो मे बी कभी एक्सप्लोर करेंगे जाके कॉर्बेट और कहीं बाहर। तो यार अभी तो आई हैव दिस थिंग इन माइंड दैट आई हैव टू अपीयर फॉर यूपीएससी वंस, एंड द होल आइडिया आई थिंक आई वाज टॉकिंग प्रीवियसली आल्सो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एट कैंपस एंड आउटसाइड कैंपस, सो आई फील लाइक यू नो पीपल आउटसाइड कैंपस शुड ऑल्सो गेट द प्रिविलेज ऑफ द नॉलेज द फैसिलिटीज द दिस एनवायरमेंट एंड आई वुड लाइक टू वर्क फॉर दैट। मेरा गोल सारी लाइफ पूरा इंडिया एक्सप्लोर करना है मेरे को, तो ट्रैवल अभी शुरू कर दिया, आगे कंटिन्यू रखेंगे। इतना लंबा तो नहीं सोचा है, बट जॉब वॉब करेंगे उसके बाद पैसा उड़ाएंगे, दारू पियेंगे अनशन बस। ये वाला डालना मत, अंदर बेकार था, ये वाला कट कर देना। रोइंग करूँगा, रोइंग रह गई थी, बाकी सब कर लिया, बाकी जो करना चाहता था ऑलमोस्ट सब, कुछ कुछ है होता रहेगा, अभी तो लाइफ बची है। हाँ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स आई वांटेड टू लर्न एटलीस्ट वन फिजिकल एक्टिविटी एकदम बढ़िया से, विच आई कुड नॉट, आई थिंक आई कैन ब्लेम इट टू कोविड, कोविड की वजह से यू नो द मेन टाइम जब मैं दे सकती थी वो छूट गया। नाउ आई एम ट्राइंग, आई विल गो अवे विद एटलीस्ट वन ट्रॉफी, आई थिंक दैट विल बी इन स्नूकर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ ट्राई किया यहाँ पे, बट अगर कहीं कुछ ठीक से नहीं जमा तो वहाँ पे मैंने वो चीज़ कर दी थी गिव अप कि ये नहीं करना है बिकॉज़ नहीं आ रहा मज़ा। एंड आई डोंट थिंक कहीं ऐसे, मतलब जो जो चीज़ें पसंद थी वो तो की ही पूरे टाइम, एक्सप्लोर भी किया एंड चीज़ें ख़राब भी हुई, बट आई थिंक सब कुछ हैपेंड फॉर अ रीज़न। शायद मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होता फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लोगों से बातचीत करने में, और क्लब्स में जाता अगर मौका मिले तो। आई कुड हैव बीन अ मोर ओपन, लाइक इनिशियली इट वाज मोर, आई वाज मोर इंट्रोवर्ट टाइप, तो अगर ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता लोगों से मिलता एंड ज़्यादा दोस्त बनाता है, नई चीज़ें सीखने को मिलती उनसे, तो देट वुड हैव बीन बेटर। मे बी बहुत सारे मूवीज देखना और कुछ चेंज कॉलेज लाइफ में जो अभी तुमने निकाली हो 4 साल। मैं भी एक गर्लफ्रेंड बढ़ा लूँगा। मैंने यार सेकेंड ईयर में मेरा हो गया था हार्ट ब्रेक, तो मैं रह गया कमरे पे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कमरे के बाहर निकलता, मैं कमरे अपने कमरे में टिकता ही नहीं, मेरा शेडी सा कमरा बन गया था,
I wish मैं कमरे के बाहर ही रहता, मैं लोगों के साथ हैंग आउट करता, मैं और ज़्यादा ऐसे socialize करता. ये अंदर रहना सबसे बुरी बात होती है. professors के साथ थोड़ा अच्छा relationship रख सकते थे. इसके अलावा ठीक है, समय तो बढ़िया गया है, कोई regrets है नहीं. अच्छा बढ़िया है. मैं पढ़ाई कर लेता, मैं दोबारा मौका भी लेता थोड़ी हो रहेगी. हाँ बिल्कुल, मतलब इसमें तो कोई ये डाउट ही नहीं है. हाँ अनशन टोपी बहुत बढ़िया है साहब. वाई वाई, इतनी सारी तो फैसिलिटीज हैं, सारा कुछ तो मिल जाता है, और ऐसे से बग चौदह अंडे और कहीं नहीं मिलते भाई. हाँ यार, है यार. यू गेट टू सी the change, you get to see, you get to explore yourself, and I think in the world that we live in, we are not allowed to explore ourselves, and yahan pe we get resources plus the people like us plus the environment, and we really get to know ourselves, we become courageous. Surely I think IIT is worth the mehnat, because kai sari cheeze aise tag bhi ek cheez hai, and दी एंड जो सर्कल मैंने बोला, फ्रेंड सर्कल मिलता है आपको, नेटवर्किंग स्किल्स मिलती है, एंड फ्रॉम दी माइंड सेट ऑफ अ ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ पर्सन आपको एक प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांसफ़र के लिए एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे पे बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट होती है इधर, और ऐसे लोग भी ऐसे बहुत सारे चिल लोग आते हैं, और फिर तुमको बहुत कुछ करने के लिए मिलता है. यस यस एब्सोल्युटली यस. द एक्सपीरियंस ओके, हमें थोड़े कम टाइम मिला है, बट द एक्सपीरियंस वी गॉट हेयर इज प्रीशियस, एंड एवरी मोमेंट इज वर्थ इट. मीन्स फ्रेंड्स, एक्सपीरियंसिस, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज एंड नेम, एवरीथिंग वॉज वर्थ इट. IIT is worth the hassle, and you shouldn't call it hassle, क्योंकि तुमने अपने अंदर invest किया है. तुम अपने आप को एक नए level पर देखोगे, तुम अपने आप को एक अच्छे बेहतर platform पर perform करते हुए देखोगे. तो अगर तो IIT के अंदर तुम अगर आया, तो उसको hassle मत बोलो, उसको तुम hard work बोलो, तुमने अपने अंदर ही invest किया है, और and it's 100% worth it. हाँ यार, मतलब बिल्कुल, मतलब हार्ड वर्क तो जो जितना भी किया था 2-3 साल, तो वो तो सारे यहाँ पे आके पूरा मिल जाता है रिजल्ट्स, तो इट्स स्टिल वर्थ इट. अगर तुम वो एफर्ट डाल रहे हो तो मिलेगा तुम्हें. यस ऑफ कोर्स, बिना किसी डाउट के. IIT ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई है, कि आप चाहे जितने हार्ड वर्किंग हैं, चाहे जितने एम्बिशियस हो, चाहे जितने स्मार्ट हो, चाहे जितने इंटेलिजेंट हो, आपको आपसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग, आपसे ज़्यादा स्मार्ट, आपसे ज़्यादा एम्बिशियस लोग अपने सर्कल में मिल जाएंगे. तो लेसन क्या है, लेसन ये है कि भाई हम्बल रहो, और जिसमें मन लग रहा है, जो करना चाहते हो वो करते रहो बस.